Hi guys, this is Sandeep and welcome once again to Let's Learn English with Sandeep Sagar. आज है संडे गाइस, तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए व्यूअर्स रिक्वेस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस आप लोगों ने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, आज हम जानेंगे कि उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक शेयर ज़रूर करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी धुलवाई या धुलाई जाती है, दोनों की इंग्लिश सेम होती है गाइस। आप बोलते हैं द कार इज वॉश्ड, द कार इज वॉश्ड। स्कूल की छुट्टी हो गई, तो स्कूल की छुट्टी हो गई के लिए आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, आप बोलेंगे द स्कूल वॉज डिस्चार्ज, द स्कूल वॉज डिस्चार्ज। मैं खाना खाकर आता हूँ, मतलब पहले खाना खाऊंगा उसके बाद आऊंगा। आई ईट फूड एंड कम, आई ईट फूड एंड कम। अगर मैं जॉब कर रहा होता, इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं गाइस। आप बोलेंगे इसके लिए इफ आई वुड हैव बीन डूइंग जॉब, इफ आई वुड हैव बीन डूइंग जॉब। काश मीटिंग ना होती, मतलब मीटिंग हो चुकी है, आप एक गेसिंग कर रहे हो कि मीटिंग ना होती, तो आप बोलते हैं आई विश मीटिंग हैडेंट हेल्ड। इस तरह से आप बनाते हो। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, मैं जब भी उससे मिलता हूँ वह गाना गा रहा होता है। तो ये एक संयोग है कि जब भी आप उससे मिलते हो वो गाना गाता रहता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हो व्हेनेवर आई मीट हिम ही हैपेंस टू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप बोलते हो। भगवान ना करे कि कल वो मुझसे मिलने आए, देखिए भगवान नहीं कर रहे यहाँ, ये एक प्रकार की इच्छा है और आप नहीं चाहते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम टू मीट मी टुमारो। मैंने उसके कहने पर ये किया, है ना, कभी कभी आपसे पूछा जाता है आपने किसके कहने पर ये किया, तो आपको बोलना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई डिड इट एट बिहेस्ट ऑफ हिम। अगर लड़के के कहने पर किया तो हिम, अगर कोई लड़की के कहने पर किया तो हर। भगवान ना करे कि वह ऑफिस से निकल गया हो जाए, निकल जाए, तो इसके लिए आप बना सकते हो सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, आई डोंट वॉन्ट हिम टू लीव द ऑफिस, आई डोंट वॉन्ट हिम टू लीव द ऑफिस। इस तरह से आप बनाते हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, ऑटो खाली होने के बावजूद भी रुकती नहीं। कभी कभी सिचुएशन आ जाती होगी रोड पे, आप रुकते होगे नहीं रुकती होगी, इसीलिए आपने पूछा है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑटो स्टिल डज नॉट स्टॉप इवन आफ्टर बीइंग एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली होता है गाइस। बीमार होने के बावजूद भी मैं स्कूल गया, इसको कई तरह से आप बना सकते हो, बट आपने पूछा है गाइस नॉट विथ स्टैंडिंग के प्रयोग के साथ, तो मैं बता रहा हूँ आपको इसके प्रयोग के साथ आप बनाएंगे आई वेंट टू स्कूल नॉट विथ स्टैंडिंग माई सिकनेस। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, तो सिर्फ एक ही भाई के लिए आप यूज करते हो, आप यहाँ पर सिबलिंग्स का यूज़ नहीं करोगे, आप बोलोगे गाइस आई हैव ओनली वन ब्रदर, आई हैव ओनली वन ब्रदर। किसी पे भरोसा करने से पहले एक बार कंफर्म कर लो, बात तो बिल्कुल सही है और आपने क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो कंफर्म वंस बिफोर बिलीविंग समवन, कन्फर्म वंस बिफोर बिलीविंग समवन।
आपका मेरे बॉस होते हुए भी बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं गाइस, आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट इवन दो यू आर माई बॉस। आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट इवन दो यू आर माई बॉस। पुरानी सब आदतें छोड़नी पड़ेगी तुझे, है ना? तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यू हैव टू लीव ऑल द ओल्ड हैबिट्स। यू हैव टू लीव ऑल द ओल्ड हैबिट्स। एक नया इंसान बनना पड़ेगा तुझे, है ना? एक नया इंसान। तो इसके लिए आप जनरली बोल सकते हो गाइस, यू हैव टू बिकम अ न्यू पर्सन। यू हैव टू बिकम अ न्यू पर्सन। इस तरह से आप बनाते हो। हमारे अगले सेंटेंस है गाइस, तूने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों रखा है? तो इस तरह से आप जनरली आप अपने फ्रेंडशिप में ही पूछते हो, तो आप पूछ सकते हो, व्हाई हैव यू केप्ट योर फोन स्विच्ड ऑफ। व्हाई हैव यू केप्ट योर फोन स्विच्ड ऑफ। बात तो आपने बिल्कुल सही कहा भाई, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। आप इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश, यू सेड वेरी राइट थिंग्स, आई लाइक्ड योर वर्ड्स। यू सेड वेरी राइट थिंग्स, आई लाइक्ड योर वर्ड्स। नेक्स्ट, ये मुझे पता करना था यार, कहाँ से पता करूँ? इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। आप बोलोगे इसके लिए, आई हैड टू फाइंड आउट इट फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड इट। आई हैड टू फाइंड आउट इट फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड इट। इस तरह से आप इंग्लिश में पूछ सकते हो या बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, आखिरकार आप हमारे लिए ही तो कह रहे हो। इट मीन्स आप हमारे फेवर ले रहे हो, राइट? तो आप इसके लिए बोलते हो, आफ्टर ऑल यू आर फेवरिंग अस। आफ्टर ऑल यू आर फेवरिंग अस। आप फेवर ले रहे हो, है ना? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, मैं छोटा भाई मानता हूँ तुझे, है ना? मानना के लिए आप यूज कर सकते हो कंसीडर। आप बोल सकते हो यहाँ पे, आई कंसीडर यू माई यंगर ब्रदर। आई कंसीडर यू माई यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मीन्स छोटा भाई। नेक्स्ट, मेरे आने से पहले ये सॉल्व हो जाना चाहिए, समझा? ये एक ऑर्डर टाइप सेंटेंस है। आप बोल सकते हो इसको, This should be solved before I reached. Got it? This should be solved before I reached. Got it का मतलब समझा। आप मेरे प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते। तो इसके लिए आप जनरली बनाते हो गाइस, इंग्लिश में बोलोगे इसको, You can't access my love for money. You can't access my love for money. इस तरह से आप बनाते हो। हमारा next sentence है guys, चल मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ तुझसे, है ना? ये भी friends के साथ आप बोलते हो, तो आप इसके लिए बोलोगे, Alright, I am going somewhere. I will talk to you later. Alright, I am going somewhere. I will talk to you later. सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अपने सेंटेंस को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर पूछें, ताकि मैं नेक्स्ट संडे भी व्यूअर्स रिक्वेस्ट वीडियो बना सकूं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।